दोस्तों आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ में। अगर दोस्तों आप एक ऐसा बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं जहां पर इंस्टेंट आपका अकाउंट ओपन हो जाए, वो इंस्टेंट ही गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे आप एप्लीकेशन को यूज़ कर पाएं, लेकिन यहां पर दिक्कत ये है कि आप किसी भी पेमेंट ऐप के अंदर अकाउंट नहीं ओपन करना चाहते हैं, किसी एक वैलेट ऐप के अंदर अपना अकाउंट ओपन नहीं करना चाहते हैं, किसी बैंक के अंदर आपका सक्सेसफुल बैंक अकाउंट ओपन हो जाए, तो चिंता करने की दोस्तों कोई भी बात नहीं है। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बताने वाले हैं फ्रियो सेफ के अंदर किस प्रकार से एक बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो अकाउंट आपको जीरो बैलेंस मिलेगा, अकाउंट के अंदर आपको एक रुपया भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको ये अगर नहीं पता है कि फ्रियो सेफ है क्या, तो यहाँ पर बता दें कि फ्रियो सेफ और इको ट्रस्ट बैंक आपस में इसकी पार्टनरशिप है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप फ्रियो सेफ के अंदर अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करेंगे तो सबसे पहले आप इसकी मोबाइल बैंकिंग को चालू कर पाएंगे, और यहीं पर दोस्तों इको ट्रस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से आपको यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा। अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड की नीड रहती तो यहाँ पर फिजिकल डेबिट कार्ड भी आप ऑर्डर कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। इससे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर विदाउट वीडियो केवाईसी के एक साल बैंक अकाउंट को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में आपको केवाईसी को कंप्लीट कराना पड़ेगा, लेकिन इंस्टेंट ही आप जैसे अकाउंट को ओपन करेंगे इंस्टेंट ही दोस्तों आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशन को आप चुटकियों में रन कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर एक सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, बैंक अकाउंट के अंदर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, और वहाँ पर दोस्तों आप सभी यूपीआई बैंकिंग एप्लीकेशन को भी आप यूज़ करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया गया है। साथ ही अगर आपको वीडियो के अंदर जानकारी समझ आ जाए तो जोर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फिर हम इस कमाल की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आप दोस्तों यहाँ पर फ्रियो से अपने अकाउंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको प्ले स्टोर ओपन करना है, और यहाँ पर आपको फ्रियो सेफ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसके अंदर अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो जो भी आप पैसा वैसा डिपॉजिट करके रखेंगे तो यहाँ पर आपको 9% का आपको इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। तो आप चाहो तो इसके अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बस अकाउंट ओपन करने के लिए आपको जैसे ही ये वाली एप्लीकेशन आपकी जो डाउनलोड हो जाए, देन एप्लीकेशन को आप यहाँ पर ओपन करेंगे, और एप्लीकेशन यहाँ पर जैसे दोस्तों आप ओपन कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं। तो बड़ी इजीली तरीके से इसके अंदर आप जो है अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। हालांकि पहले जो दूसरा प्रोसेस था, अब यहाँ प्रोसेस कुछ इस तरीके से आ चुका है जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक एरो का ऑप्शन मिल जाएगा। एरो के ऑप्शन पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको सब कुछ अकाउंट के बारे में बताया जाएगा कि आपको इतना इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा। अब जिस यहाँ पर मोबाइल नंबर से अपने बैंक अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं, वो मोबाइल नंबर दोस्तों आपको यहाँ पर इस वाले बॉक्स में टाइप कर देना है, और मोबाइल नंबर दोस्तों टाइप करने के बाद में यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है कि अगर भैया आप अपने बैंक अकाउंट का इसका जो भी अपडेट है, जो भी नोटिफिकेशन है, वो अगर आप व्हाट्सएप पर चाहते तो इस वाले बॉक्स पर चेकआउट करेंगे, और इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। अब वो वाली ओटीपी दोस्तों आप इस वाले बॉक्स में टाइप करेंगे और वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर आप यहां पर क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर एसएमएस, कॉल्स, लोकेशन, सभी परमिशंस को आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है, और इसके बाद में प्रोसीड टू परमिशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। प्रेजेंट टाइम पर जो भी आपके मोबाइल में जितने भी दोस्तों सिम डले हुए होंगे, वो सारे सिम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे हमारे केस में जिनका हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं उनका यहाँ पर एयरटेल का सिम, जियो का सिम, तो जिस मोबाइल नंबर से अकाउंट ओपन करना है उस सिम को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। देन इसके बाद में आप यहाँ पर सेंड एसएमएस के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सक्सेसफुल हमारा यहाँ पर मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाई हो जाएगा, जो कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आओ और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर भी देखने को मिल जाएगा। अब आपके सामने यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो पहला मिल रहा है वेरीफाई यूजिंग जीमेल, दूसरा मिल रहा है वेरीफाई ईमेल मैनुअली, यानी कि अगर आप खुद से मेल आईडी को यहाँ पर फिल करना चाहते हैं तो नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर दोस्तों आपके फ़ोन में वो मेल आईडी लॉगिन है तो आप यहाँ पर ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। देन इसके बाद में यहाँ पर आपके फ़ोन में जितनी भी मेल आईडी शो हो जाएंगी, सारी यहाँ पर मेल आईडी आपको देखने को मिल जाएंगी, तो अपनी मेल आईडी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। देन इसके बाद में देख सकते हैं ओपन ए सेविंग अकाउंट का ऑप्शन मिल रहा है। प्रेजेंट टाइम पर यहाँ पर आपको 7% का आपको इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 मिनट के अंदर आपका डिजिटल तरीके से अकाउंट ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर अकाउंट जो रहेगा वो जीरो बैलेंस रहेगा। जैसा हमने आपको बताया कि इसके पार्टनरशिप इको ट्रस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर स्टार्ट अकाउंट सेटअप का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों आप यहां पर क्लिक करेंगे तो इस वाले बॉक्स पर आपको यहां पर चेकआउट कर देना है, और यहां पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहां पर देख सकते हैं आपसे पैन कार्ड मांगा जाएगा, तो अपना पैन नंबर इस वाले बॉक्स में टाइप करेंगे और इस वाले बॉक्स पर चेकआउट करेंगे और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में देख सकते हैं आपके सामने कुछ पर्सनल डिटेल्स का आपको ऑप्शन मिल जाएगा,
तो इस वाले कॉलम में आप अपने पिताजी का नाम टाइप करेंगे, इस वाले कॉलम में माताजी का नाम टाइप करेंगे, मैरिटल स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर वेयर योर बर्न का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है कि भैया आपका यहाँ पर प्लेस क्या है, अपने प्लेस का नाम टाइप कर देंगे, यानी कि जहाँ पर आपका जन्म हुआ वहाँ का नाम यहाँ पर आपको टाइप कर देना है और इसके बाद में आप यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे दोस्तों नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले ऑक्यूपेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्या काम करते हैं सेलेक्ट करेंगे, अपना जो भी आपका डेजिग्नेशन हो वो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपकी जो भी इनकम हो इनकम सेलेक्ट करेंगे, अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में देख सकते हैं आधार डिटेल्स का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, तो आधार कार्ड को हमको वेरीफाई कराना होगा, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरीफाई आधार का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस वाले कॉलम में अपना आधार नंबर टाइप करेंगे, आप चाहो तो अपना वर्चुअल आईडी भी टाइप कर सकते हैं। इसके बाद में जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आपके जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, अब वो वाली ओटीपी दोस्तों आप इस वाले कॉलम में टाइप कर देंगे और इसके बाद में वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने जो आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन है वो पूरी मिल जाएगी, जैसे आपका फोटो, आपका नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसके बाद में कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस मिलेगा। तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आप कंटिन्यू टैक्स सेल्फी का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। आपको पता है कि इक्विटास स्मार्ट फाइनेंस बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पर भी आपको सेल्फी को कैप्चर करना होता है। इसके बाद में यहाँ पर करंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस का ऑप्शन आ जाएगा, तो जो भी दोस्तों आपका एड्रेस है एड्रेस लाइन वन में फिल करेंगे, एड्रेस लाइन टू में एड्रेस को फिल करेंगे, लैंडमार्क टाइप करेंगे, अपने पिन कोड को टाइप करेंगे। इसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका नीचे स्टेट और आपका यहां पर जनपद का नाम आ जाएगा। इसके बाद में कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अकाउंट के अंदर अगर आप नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले क्लिक करेंगे नॉमिनी का रिलेशन क्या है अकाउंट होल्डर का वो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर नॉमिनी का नाम टाइप करेंगे, नॉमिनी के डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करेंगे, नॉमिनी का एड्रेस टाइप करेंगे और इसके बाद में कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अगर आप अकाउंट के अंदर नॉमिनी को बाद में ऐड करना चाहते हैं तो आई डू इट लेटर के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके अकाउंट को जो है वो सक्सेसफुल सेटअप किया जा रहा है, तो यहाँ पर बस थोड़ा सा वेट करेंगे, देन यहाँ पर कंग्रेचुलेशंस का आपको मैसेज भी मिल जाएगा। इसके बाद में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें इंस्टेंट ही यहाँ पर हमें अकाउंट नाम मिल चुका है, अकाउंट नंबर मिल गया है, यहाँ पर IFSC कोड मिल गया है और यहाँ पर कस्टमर आईडी मिल गई है। आप चाहो तो इसके अकाउंट की डिटेल को यहाँ पर क्लिक करके शेयर कर सकते हैं और इसके बाद में कंटिन्यू सेट पासकोड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जो भी दोस्तों आप अपनी इसकी मोबाइल बैंकिंग में जब लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर क्या पासकोड रखना चाहते हैं वो यहाँ पर पासकोड को टाइप करेंगे, देन इसके बाद में एक मैसेज मिल जाएगा कि भैया यहाँ पर विदाउट KYC के अकाउंट को आप 12 महीने तक के यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक साल तक के यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद में आपको KYC को कंप्लीट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को एक दो नीचे दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला मिलता है कन्वर्ट टू फुल KYC, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप KYC बाद में करना चाहते हैं तो रिमाइंड मी लेटर के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो नेक्स्ट इंटरफेस मिल जाएगा और आप इसकी सक्सेसफुल मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन हो जाएंगे। जहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर आपके अकाउंट का वैलेट मिल जाएगा, यहां पर क्लिक करके अपने बैलेंस को चेकआउट कर सकते हैं, यहां से मनी को ऐड कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यहीं पर आपको योर कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो योर कार्ड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से यहाँ पर हमें वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल गया है, यहाँ से डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं, इस कार्ड का पिन सेट कर सकते हैं और इस कार्ड को परमानेंट भी ब्लॉक कर सकते हैं। अब ये सारे हमें ऑप्शन मिल गए हैं और इस वर्चुअल डेबिट कार्ड के थ्रू सभी हम UPI बैंकिंग एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में आप यहाँ पर जब बैक आ जाएंगे तो ऊपर आपको एक 3 लाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पर 3 लाइन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों 3 लाइन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्डर फ्री ओ कार्ड का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इक्विटास यहाँ पर वीजा का डेबिट कार्ड हमें मिल जाएगा और यहाँ पर काफ़ी लोग इस अकाउंट को यूज़ भी कर रहे हैं। नीचे आपको एक ऑर्डर योर वीजा डेबिट कार्ड नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं कि अगर हम डेबिट कार्ड को इसके ऑर्डर करेंगे तो यहां पर आपको क्या है कि पूरी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि फुल KYC भी हमें कंप्लीट करना पड़ेगा और यहां पर 5,000 रुपये भी हमको कम से कम डिपॉजिट करना पड़ेगा, तभी हम यहां पर जो हमारे डेबिट कार्ड है वो सक्सेसफुल हमारे घर पर सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप इसके बेनिफिट वगैरह देखना चाहते हैं तो व्यू बेनिफिट एंड चार्जेस नीचे आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिया कि फ्री ओ सेफ के अंदर किस प्रकार से विदाउट वीडियो के वैसे कि अपना सक्सेसफुल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अकाउंट की पूरी इन्फॉर्मेशन भी दोस्तों मिल चुकी है। तो अगर दोस्तों आप चाहते हो तो यहाँ पर इसके अंदर अपने अकाउंट ओपन कर सकते हो, लेकिन 12 महीने के बाद में आपको जो है ब्रांच जाकर केवाईसी को कंप्लीट कराना पड़ेगा, या फिर दोस्तों आप चाहो तो इस बैंक अकाउंट को ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं बिना केवाईसी के। जब एक साल के बाद आपको ज़रूरत ज़्यादा पड़े तो आप जाकर यहाँ पर इसके केवाईसी को कंप्लीट करा सकते हैं, लेकिन आपको इसके अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट ही प्रोवाइड कराया जाता है। 5,000 रुपये तभी आपको डिपॉजिट करने होंगे अगर आप यहाँ पर फिजिकल डेबिट कार्ड को ऑर्डर करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं और ATM से विड्रॉ वगैरह करना चाहते हैं, तब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर पूरी तरीके से जानकारी समझ आ गई है तो जोर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि अगर अब भी आपके मन में कोई भी डाउट रह गया तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।